लोगों के साथ में रिलेशनशिप में कैसी बातचीत होना चाहिए, इसके बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ। तो आइए, आपका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य, व्यसन मुक्त भारत, ये हमारा मिशन है। हमें लोग यहाँ हमारे अकोला के हॉस्पिटल में आके यहाँ इलाज कर लेते हैं, या फिर ऑनलाइन टेलीफोन कंसल्टेशन करके भी इलाज करते हैं। कभी लोग मुझे मिलते हैं और उनको कुछ अलग 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 प्रॉब्लम रहते हैं, उनके दिमाग चलते रहते, दिमाग में प्रॉब्लम रहते हैं, और वो खुल के बात नहीं करते, और खुद के बात नहीं करने से काफ़ी सारी मानसिक बीमारियाँ उनको होती रहती है। लोग शेयर करते नहीं उनके दिमाग में जो चल रहा है। उनको लगता है कि मैं यदि शेयर करूँ, बातचीत करूँ, तो सामने वाला गुस्सा करेगा, उसको अच्छा नहीं लगेगा, अनकंफर्टेबल होगा, और फिर उसके बदले, मतलब उसको क्या लगेगा, इसके बदले वो अपने पास में सब चीज़ें रखेंगे और अपने खुद को वो गुस्सा उनको आ जाएगा, नाराज़गी आ जाएगी, और उनके दिमाग में नाराज़गी या गुस्सा भरा पड़ेगा। क्यों? क्योंकि लोगों को क्या लगता है, बोलेंगे नहीं, साफ बात नहीं करेंगे। लोगों को मतलब आपको क्या ज़रूरत है, आपको क्या चाहिए, आपकी क्या इच्छा है, ये लोगों से नहीं बात करना, मतलब इसके बारे में लोगों से बात नहीं करना, ये प्रमुख कारण है अपने मन में गुस्सा आने का, या नाराज़गी का, या खुन्नस पकड़ने का। लोगों को तारीफ़ और प्रशंसा अच्छी लगती है, वो भी हम बोलते नहीं हैं। किसी को तारीफ़ करना है, हम करेंगे नहीं, प्रशंसा नहीं करेंगे। तो जब जब मुझे नाराज़गी आती है, जब जब मुझे गुस्सा आता है, तब तक ये पकड़ के चलो कि मैंने मेरी इच्छाएं जो है, मेरी उम्मीद जो है, या मुझे जो चाहिए, वो मैंने लोगों को बताया नहीं, सामने वाले को मैंने बताया नहीं साफ साफ। तो मुझे जो चाहिए वो यदि मैंने किसी को बोल दिया साफ साफ, तो क्या हो जाएगा? यदि मैंने किसी को बोल दिया हो जो मुझे चाहिए वो, तो एक तो वह हाँ बोलेगा या ना बोलेगा, उसमें प्रॉब्लम क्या है, मगर मेरे दिमाग में तो रहेगा नहीं, वो टेबल पे तो आ जाएगा जो चाहिए वो। हम लोगों को मांगते नहीं हैं क्योंकि हमको लगता है कि नहीं नहीं वो अच्छा नहीं दिखता, फिर लोग क्या बोलेंगे, फिर मैंने ऐसा सीधी बात किया और मांग लिया तो वो हर्ट हो जाएगा क्या, वो नहीं बोलेगा, फिर मेरी जो नीड्स है, मेरी जो वांट्स है, मेरी जो डिज़ायर्स है, मेरी जो इच्छा है, मैं बोलूँगा नहीं, मेरे दिमाग में रखूँगा, और वो अप्रामाणिकता है। मैं छुपा कर रखूँगा मेरे पास में, सच नहीं बोलूँगा, तो फिर ये सच बोलने का समय कब है? जो मुझे चाहिए, जो मैंने दिमाग में पकड़ के रखा है सामने वाले के बारे में, सामने वाले के पास में है, मैं चाहता हूँ कि उससे वो मिलना चाहिए, तो वो पूछने का, बोलने का समय कब है? वो समय अभी अभी इस वक्त। हमको लगता है डर कि वो रिएक्शन देगा, समझो मैंने नहीं ऐसा बातचीत किया तो मुझे लगता है कि नहीं नहीं वो अनकंफर्टेबल होगा, तो मैंने ऐसा क्यों बोलना चाहिए, मगर मैंने यदि प्रामाणिकता से मेरे दिमाग में जो विचार है वो यदि मैंने सामने वाले को बोल दिए, तो फिर क्या होगा, लोग मेरे ऊपर विश्वास करेंगे। मैं लोगों के दिमाग में ऐसा व्यक्ति बन जाऊंगा कि नहीं, ये व्यक्ति ऐसा है कि ये व्यक्ति दिमाग में रखता नहीं है, जो उसको लगता है वो साफ साफ बोल देगा, और फिर लोग विश्वास करना चालू, लोग बोलेंगे नहीं नहीं आदमी ऐसा नहीं कि बोलेगा नहीं और बाद में पीछे से पीठ में मार देगा, जो भी है वो सामने बोल देगा, और ये सामने बोलने का प्राइस जो है वो डेफिनेटली आपको मिलेगा, क्योंकि आपके दिमाग में कुछ चलेगा नहीं, आपके दिमाग में सामने वाले व्यक्ति के बारे में कुछ रखेंगे नहीं, आपको क्या चाहिए वो आपके दिमाग में रखेंगे, जो भी है वो आप टेबल पे लाएंगे, जो भी है वो सच बोलेंगे, जो भी है उसके बारे में संवाद करेंगे। जब इस तरह से आपके साथ में लोगों के संबंध है, या आप लोगों के साथ में संबंध इस तरह से रखते हो, तो सामने वाला व्यक्ति और आप एक हो जाएंगे, देर विल बी वननेस, एक हो जाएगी, कोई डिस्टेंस ही रहेगा नहीं, आपको और कोई व्यक्ति का डिस्टेंस नहीं रहेगा, आप एक हो जाएंगे, प्यार बहुत बढ़ जाएगा, और जीवन जीने में बहुत मज़ा आ जाएगी। आज से तय करो कि आपके दिमाग में कुछ भी खुन्नस है, कुछ भी अपेक्षाएं है, कुछ भी उम्मीद है, आपकी कोई ज़रूरत है, आपको ऐसा लगता है, तो आप जरूर लोगों को शेयर करो, जो भी उसका नतीजा हो जाएगा वो हो जाएगा। आप नम्रता से बात कर सकते हो, आप प्लीज़ कृपया आप मेरे लिए ऐसा कर सकते क्या, ऐसी बात कर सकते हो, प्लीज़ बोल सकते हो, वो देने के बाद में वो हाँ बोलेगा ना बोलेगा, उसके बाद में आप थैंक यू बोल सकते हो, और आप बहुत नम्रता से जो भी आपको कुछ बोलना है वो बोल सकते हो। इससे होगा बहुत ही अच्छा, खराबा कुछ होने वाला है नहीं, आपके संबंध बहुत अच्छे लोगों से हो जाएंगे, आपके दिमाग का बोझ निकल जाएगा, और लोगों के साथ में आप एक होके रहेंगे।
ये वीडियो आपको लगा अच्छा लगा तो बहुत लोगों को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकॉन आता है उसके ऊपर क्लिक करो ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहली बार आ जाएंगे। आप कुछ आपको समय में मतलब ऐसा कुछ लगता है कि भाई समय के अभाव से मिल नहीं सकते, आ नहीं सकते, तो लोग हमसे टेलीफोन से कंसल्टेशन करते हैं। हमारा तो एक ही मिशन है कि लोगों को मानसिक स्वास्थ्य देना, मेंटल हेल्थ फॉर एवरीवन और एडिक्शन फ्री इंडिया। आप लोगों को शेयर करेंगे ना, लोगों की काफ़ी सारी बीमारियाँ ठीक हो जाएगी और ये हमारे मिशन में आपका भी हाथ लग जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।